Good afternoon, friends. Today we are going to discuss one of the very important topic, development of banking in India. This topic is highly important for those candidates who are appearing in competitive exams such as banking, SSC and other entrance exams of universities such as BCom, MCom, etc. So let's start the development of modern banking in India. The credit of developing banking system in India goes to Britishers, and the first bank in India which was developed, which was set up, is known as Bank of Hindustan. This bank was set up in 1770 by the Alexander and Company. This was an European company. हम बात कर रहे हैं कि भारतवर्ष में बैंकिंग का विकास, और पहला मैंने बताया कि भारत में पहला जो बैंक है वह यूरोपियन के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया 1770 में, यह अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया। इसको कलकत्ता में इसका ऑफिस खोला गया। द फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज ओपेंड इन कोलकाता, अर्लियर कलकत्ता, नाउ कोलकाता। दिस बैंक ऑफ हिंदुस्तान इशूड करेंसी नोट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार करेंसी नोट इश्यू करने का श्रेय भी बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जाता है। उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज अगेन ओपेंड बाय पीपल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1786 इन कलकत्ता। 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने कलकत्ता में ही जनरल बैंक ऑफ इंडिया खोला। सिंस कलकत्ता वाज बिकमिंग ए मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मोर बैंक्स वर रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर दे ओपनड अनदर बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। देन बैंक ऑफ बंगाल वाज अगेन ओपनड इन कलकत्ता इन 1806। This Bank of Bengal was opened by European, although some British merchant as well as some Indian wealthy people had also invested in this bank, and this bank was earlier called Bank of Calcutta when it was set up in 1806. जब 1806 में इस बैंक की स्थापना हुई तो इसको बैंक ऑफ कलकत्ता कहते थे, but later in 1809 it was renamed as Bank of Bengal. Then Bank of Bombay was set up in 1840 in Bombay, and Bank of Madras was set up in 1843 in Madras. Now, Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras, all these three banks are called presidency banks. Actually, East India Company has running over the three presidencies, Bengal, Bombay and Madras. Therefore, they opened these presidency banks in all the three presidencies, and therefore these are named as presidency banks. These presidency banks were authorized to issue currency notes. But when Paper Currency Act came in 1861, the authority of issuing currency notes was taken back from the presidency bank and it went to British government of India. 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आता है, और उस पेपर करेंसी एक्ट के प्रावधान के तहत जो इन तीन बैंकों को पेपर नोट इश्यू करने का ऑर्डर पहले दिया जा चुका था वो ऑर्डर वापस ले लिया गया। अब देश में जो पेपर नोट इश्यू करने का काम है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। वही पेपर नोट इश्यू करना शुरू की कब से, 1 मार्च 1862 से। फ्रॉम 1 मार्च 1862 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन द कंट्री, बट बिफोर दैट करेंसी नोट वर इश्यूड बाय ऑल दिस थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स। Now, these presidency banks were governed by a Presidency Bank Act of 1876. Later, these presidency banks were merged together, all these three presidency banks, Bank of Bengal, Bank of Bombay and Bank of Madras, these were merged together as Imperial Bank of India, which was set up on 27 January 1921. यह जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है यह इन तीन प्रेसिडेंसी बैंकों के मर्जर से बना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी उसके लिए एक कमेटी बनी थी, दैट कमेटी वाज कॉल्ड चेम्बरलेन कमेटी, और उस कमेटी के एक प्रमुख मेंबर जॉन मेनार्ड केन्स थे, जे एम केन्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ
मैक्रो इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो चेंबरलिन कमीशन जिसमें कि किन्स में मेंबर थे, उन्होंने सुझाव दिया कि दिस प्रेसिडेंसी बैंक शुड बी मर्ज्ड टुगेदर एंड शुड बिकम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27 जनवरी 1921। लेकिन इसी बीच दो और बैंक हमारे देश में, दो बड़े बैंक खुल चुके थे। पहले इलाहाबाद बैंक खुलता है 1865 में। This Allahabad bank was opened in 1865 in Allahabad, and this was opened as a joint stock company. जब हम joint stock company करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो group of people जो इसके owner हैं, वो अपना profit और liability distribute करते हैं। बाद में इस Allahabad bank का भी headquarter Allahabad से shift होकर के कलकत्ता चला गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा कार्य हुआ इंडियंस के द्वारा, वह है ओपनिंग ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। दिस पंजाब नेशनल बैंक वाज ओपेंड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, एंड देयरफॉर ही आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। दिस पंजाब नेशनल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894 एंड इट कमेंस्ड इट्स बिजनेस इन 1895। This Punjab National Bank was the first bank to be opened by Indians. और यह लाला लाजपत राय की प्रेरणा थी कि वह चाहते थे कि एक भारतीयों का अपना बैंक हो, और इसीलिए उन्होंने पूरे जोर से पंजाब नेशनल बैंक को सेटअप करने के लिए प्रयास किया, और तब पंजाब नेशनल बैंक 1894 में आया। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें पहले ही 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो चुका है, और अभी जो मर्जर ऑफ बैंक्स हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, उसमें पंजाब नेशनल बैंक में दो अदर बैंक्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी मर्ज कर दिया गया है, और आज के टाइम में पंजाब नेशनल बैंक हमारे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो ये हम कहानी जो शुरू किए थे कि प्रेसिडेंसी बैंक फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था, तब तक काम कर रहा था जब तक रिजर्व बैंक की स्थापना न हो गई। और बाद में जब देश को आज़ादी मिलती है, तो बैंकिंग का जो फैसिलिटी है वो रूरल एरिया तक, पुअर लोगों तक बढ़ाने के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी व्हिच वाज चेयर्ड बाय एडी गोरवाला, दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1921 में 27 जनवरी को आया था, एडी गोरवाला या ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, एक नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में 1 जुलाई 1955 को आता है, और आज के टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन आवर कंट्री। फिर इधर देखते हैं, इसी बीच इंपीरियल बैंक तो था ही, लेकिन देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि वी शुड हैव ए सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक बनाने के लिए रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस और हिल्टन यंग कमीशन का सेटअप किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1926 में आई, और उसने कहा कि देश के सेंट्रल बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड बी सेटअप। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस और पॉपुलरली नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन 1 अप्रैल 1935 on the provisions of RBI Act 1934, 1934 के RBI Act के प्रावधानों के तहत 1935 के 1 अप्रैल को Reserve Bank of India की स्थापना हुई, और इसके पीछे किस कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो that is the recommendation of Hilton Young Commission और the Royal Commission on Currency and Finance. और after the country got independence, this Reserve Bank of India was nationalized on 1st January 1949. जब ये RBI खुला, तो ये एक private shareholders का बैंक था, और 5 करोड़ की पेड़ कैपिटल के साथ खोला गया था, और बाद में जब इसका nationalization हो गया, तो it was fully owned by government of India. और आप जानते हैं कि the first governor of RBI was Sir Osborne Smith, and first Indian governor of RBI was Shri Deshmukh.
तो आरबीआई तब से देश में सेंट्रल बैंक का काम कर रहा है। आरबीआई के प्रीएम्बल में भी लिखा है कि दिस बैंक इज बीइंग ओपेंड फॉर रेगुलेटिंग द इश्यूएंस ऑफ करेंसी, फॉर अचीविंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड फॉर अडॉप्टिंग मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी। तो फॉर अडॉप्टिंग मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, फॉर अचीविंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड फॉर इश्यूइंग करेंसी नोट्स आरबीआई वाज ओपेंड एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इट इज द रेगुलेटर ऑफ होल मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इधर ये आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है, इधर एसबीआई का नेशनलाइजेशन होता है। इसका मतलब ये है कि एक फेज ऑफ नेशनलाइजेशन शुरू होता है और सबसे बड़ा जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है दैट टुक प्लेस ऑन 19 जुलाई 1969। द लार्जेस्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स टुक प्लेस ऑन 19 जुलाई 1969 व्हेन 14 बिग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंक 14 दोज बैंक व्हिच टोटल डिपॉजिट वाज मोर देन 50 करोड़ दे वर नेशनलाइज्ड। और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाई और उस ऑर्डिनेंस को बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई और इस तरह से 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंक जिनकी टोटल डिपॉजिट हर एक टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा थी उनको नेशनलाइज किया गया। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी के ही प्राइम मिनिस्टरशिप में 15 अप्रैल 1980 को 6 अदर बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया जाता है और ये वो बैंक है जिनकी टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा है। तो देश में दो बड़े फेज में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होते हैं। साथ ही 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम नरसिंघम। एम नरसिंघम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऑन 2 अक्टूबर 1975 रीजनल रूरल बैंक्स वर ओपेंड फॉर मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर फार्मर डाउन ट्रेडन सेमी अर्बन एंड रूरल पीपल। तो रीजनल रूरल बैंक खुलते हैं। ये रीजनल रूरल बैंक मेनली रूरल एरिया में खुलते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक तीनों की हिस्सेदारी होती है। और फाइनली मर्जर ऑफ बैंक 1 अप्रैल 2020 को होता है जिसमें कि जो 27 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक थे वो घट करके 12 रह जाते हैं। थैंक यू।